तो हे गाइस, अगर आपके पास भी ओला स्कूटर है और आपका ओला स्कूटर 1 साल पुराना होने वाला है, मतलब आपको उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है और कौन सा इंश्योरेंस नहीं लेना है, और साथ में इंश्योरेंस कैसे करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लाइक मेल आता है हमारे पास, हम मेल में लिंक होता है उसको क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं होता है, ओपन होता है तो जो हमको कंपनी चाहिए इंश्योरेंस की वो नहीं मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। और साथ में गाइस, अगर आपका जो गाड़ी है स्टार्टिंग में आप लोगों के पास आया था और वो TR नंबर के साथ आया था, मतलब रेड कलर का जो टेम्प्ररी नंबर प्लेट आपको मिलता है, अगर उसके साथ गाड़ी आपको आया था, बाद में आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इंश्योरेंस कैसे लेना है, कैसे रिन्यू करना है, और साथ में गाइस यहाँ पे अगर आपके पास TR नंबर था तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें भी एक प्रॉब्लम है। लाइक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास गाड़ी आया था TR नंबर के साथ, तो आपको ये करना है गाइस कि आपके पास जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस मिला होगा आपको, लाइक एको का मिला था, किसी किसी को ICICI का मिला था, तो जिसको भी जिसका भी मिला है, तो लाइक मैंने एको का किया था तो मेरे को TR नंबर के साथ गाड़ी मिला था और बाद में मेरे को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। तो इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि आप अभी अगर रिन्यू करने जाओगे ना, तो रिन्यू करने जाओगे, जैसे मैंने एको का ऐप डाउनलोड किया या फिर एको की वेबसाइट में अपना जो भी डिटेल फिल किया, तो वहाँ पर रिन्यू करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और अगर आपके पास दूसरा कोई कंपनी का अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस कराया, तो उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं आएगा रिन्यू करने का, समझ में नहीं आएगा कि ये जीरो डेप्थ है या फिर नहीं है। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जीरो डेप्थ कौन सा है, जीरो डेप्थ कौन सा नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो नहीं शो करेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इंश्योरेंस रिन्यू कौन सा करें, कैसे करें, कितना अमाउंट लग रहा है, रिन्यू करना भी है या फिर नहीं। तो ये तो है गाइस कि अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लिए हो तो 5 साल का इंश्योरेंस होता है, जिसमें 1 साल का जो होता है वो पर्सनल होता है और जो बाकी जो साल बचे वो थर्ड पार्टी होती है। तो हमेशा हर साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है, साल का साल भर का ही रहता है ऐसा मान के चलो, 5 साल वो बोलने का रहता है, वो कोई मतलब का नहीं होता है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपको रिन्यू करना है, लाइक मेरा जो इंश्योरेंस है वो 18 तारीख लास्ट है, वैसे ही आपका भी होगा 18 अक्टूबर जैसे मेरा है, तो आपका भी आसपास होगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है और 7 दिन पहले या फिर 7 डेज बचे हुए होंगे, तो 7 डेज के बीच में ही गाइस आपको जो एप्लीकेशन, जो भी आपके कंपनी का इंश्योरेंस है उस कंपनी का एप्लीकेशन होगा वो डाउनलोड कर लेना। लाइक मेरा एको का है तो एको का मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, वहाँ पे अपनी आईडी जो भी है, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मोबाइल नंबर से आपका गाड़ी रजिस्टर है वो डाल लेना, ईमेल आईडी भी वही डालना, फिर ओपन हो जाएगा और माई पॉलिसीज में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके जो पॉलिसी है वो शो कर देगा इंश्योरेंस, लेकिन वहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम ये है गाइस कि TR नंबर हम लोग को मिला था, हम लोगों का जो गाड़ी नंबर है उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब मेंशन ही नहीं हुआ है। तो गाइस आप माय पॉलिसीज में जाओगे, एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहाँ पे एडिट पॉलिसी का ऑप्शन आता है, एडिट पॉलिसी में जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आता है जो कि पूरा ब्लैंक होता है, वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में टैप करना है, आपको एडिट में जाना है, जैसे भी करके आपका एप्लीकेशन जो है वो अलग टाइप से वर्क करता होगा। तो लेकिन मेरा एको का है तो मैं एको का आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एडिट में जाना है, देन वहाँ पे अपना गाड़ी नंबर आपको डाल देना है। गाड़ी नंबर जैसे ही आप अपडेट करोगे उसके विद इन 24 आवर्स कंपनी वाले बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो दो तीन घंटे में ही शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलोगे तो ऊपर में ही गाइस वहाँ पे शो करेगा कि आप पर्सनल वाला जो इंश्योरेंस है वो करना पड़ेगा, ऐसा करके शो कर देगा 2000 समथिंग का जो भी है शो कर देगा। तो वो समझ जाना कि यही वाला रिन्यू वाला है, तो वो हमको करना है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये मैंने आपको बता दिया TR वाले का क्या प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके भी TR के साथ मिला है आपको, तो आप लोग ये ठीक करवा लेना, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर अपने एप्लीकेशन जिस भी कंपनी का आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया वहाँ पे ऐड करवा लेना। और अगर एप्लीकेशन नहीं है तो कंपनी जो भी है ना उसका कॉल सेंटर होगा, उसका सर्विस सेंटर नंबर जो भी होगा, कस्टमर केयर नंबर, उसमें कॉल करके ये सारे कुछ बताना, वो लोग खुद से भी कर देते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। अब गाइस नेक्स्ट ये है ना कि एको का जो इंश्योरेंस जिसने भी किया है, तो अगर आप अपना एको का इंश्योरेंस रिन्यू करोगे तो जीरो डेप्थ नहीं दे रहा है वो। तो जीरो डेप्थ क्यों नहीं दे रहे हो मैम? क्योंकि हम नहीं प्रोवाइड करते सर। ये क्या बात हुई, और वैसे भी मैंने क्लेम भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं आज तक। नहीं सर, क्लेम के लिए इसमें कोई इशू नहीं है सर, डोंट वरी। आपको ओन डैमेज प्लान शो करा है, ओन डैमेज प्लान आप ले पाएंगे सर। जीरो डेप्थ नहीं होगा तो फिर पैसा देना पड़ेगा ना पहले। बिल्कुल सर। ओके थैंक यू, नहीं कर रहा मैं एको का, दूसरा करवा लूंगा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया सर, हैव अ नाइस डे। बात करने का टोन भी अजीब था और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जब जीरो डेप्थ है ही नहीं तो इंश्योरेंस करने का मतलब क्या है, जब गाड़ी थूक जाएगी तो पूरे पैसे हम देंगे भाई, तो ये तो सही नहीं है ना, पहले ही पैसे लगाने पड़ जाएंगे।
तो जीरो डेप्थ वाला ही लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, भले 800-1000 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन जीरो डेप्थ ही लेना। लेकिन एको जो है ना वो पैसा अच्छा खासा ही ले रहा है लेकिन जीरो डेप्थ नहीं दे रहा है, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है अभी जो रिन्यू करने का टाइम है मैं एको का नहीं ले रहा हूँ। अब गाइस प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस हमको कैसे लेना है, तो मेल वगैरह आता है ओला की तरफ से आपको इंश्योरेंस रिन्यू करने का जो भी है, तो वो चीज़ गाइस जब हम लोग टैप करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सही में हो रहा है या फिर कुछ फेक है या फिर कुछ अच्छे से पेजेस ओपन नहीं होते, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। वैसे ही एप्लीकेशन जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ, मैंने भी अपना रिन्यू करा लिया है और मैं आपको भी बता रहा हूँ। इस एप्लीकेशन जो है जिसमें हम लोग ओला कैब बुक करते हैं और जिस एप्लीकेशन से हम लोगों ने ओला स्कूटर बुक किया था, सेम वही वाला एप्लीकेशन जिसमें ओला कैब बुक किया जाता है वो आपको ओपन कर लेना है। देन ऊपर में जो इलेक्ट्रिक सेक्शन में जाने के लिए हम लोग टैप करते हैं ना वहाँ पे टैप करना है, और इलेक्ट्रिक सेक्शन में नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक सेक्शन में नहीं जाना है। नीचे में गाइस आपको नया सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ होता है, तो आपको इंश्योरेंस में टैप करना है। और ध्यान रखो गाइस कि वही वाला लॉगिन करना आईडी जिस आईडी से आप लोगों ने अपना गाड़ी खरीदा था इलेक्ट्रिक सेक्शन में जाके, और वही वाला लॉगिन करना तभी वो वहाँ पे शो करेगा। जैसे ही आप इंश्योरेंस में जाओगे ऑटोमेटिक वहाँ पे रीन्यू योर इंश्योरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपको जो भी मतलब कोलैब होगा ओला के साथ तो वो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो वहाँ पे शो कर देगी, लाइक रिलायंस शो कर देगी, साथ में ICICI लैम्बोर्ड और साथ में एक डिजिट करके। तो डिजिट का सबसे सस्ता है 1200 रुपये कुछ का प्लान है और वो जीरो डेप्थ भी दे रहा है, और साथ में जो ओला स्कूटर लाइक मेरा S1 है तो 1100 कुछ का मैंने खरीदा था, तो वो जो स्कूटर है उसका वैल्यू अभी भी 1.23 ऐसा 1.13 ऐसा कुछ तो शो कर रहा था। तो मैं सोचा पहले डिजिट का ले लेता हूँ, जब फिर उसके बाद मैंने रिव्यू वगैरह चेक किया यूट्यूब में और साथ में गूगल भी किया थोड़े बहुत, तो सब लोग उसको बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बेकार है, क्लेम के टाइम में बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो मैंने गाइस कौन सा लिया, मैंने ICICI का लिया। अब मैं गाइस कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने जो लिया मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। वैसे भी ओला का वीडियो नहीं आता है मेरे चैनल पे, बट अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो और आपको छोटे मोटे कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप जो है हमारा ग्रुप जो है वो कम्युनिटी छत्तीसगढ़ स्टेट का है ओला स्कूटर वाले का, तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ या फिर डायरेक्टली ये सर्च कर लेना ग्रुप का नेम और डायरेक्टली आप आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो तब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे छोटे मोटे सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब गाइस यहाँ पे ये है कि मैंने ICICI लैम्बोर्ड लिया, बिकॉज मैंने इसलिए लिया गाइस क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे ग्रुप मेंबर है वहाँ पे ICICI का बहुत सारे लोगों ने लिया है और एको का भी बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो एको और ICICI में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्लेम करते हो किसी की गाड़ी ठुक जाती है या फिर किसी के गाड़ी को रेड बाइट वाला इशू आता है, कोई भी इशू आता है, तो किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको क्लेम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजिट का गाइस हम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना, साथ में जब हम लोगों ने रिव्यू देखा तो बहुत ज़्यादा बेकार रिव्यू लोग कर रहे थे, बहुत बेकार बता रहे थे, बहुत नाटक करते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं पूरा, ऐसा बहुत सारे सीन होता है, जितना बोलते हैं उतना पैसा भी नहीं देते। तो इसलिए गाइस ICICI लैम्बोर्ड मैंने सेलेक्ट किया, बिकॉज एको का तो लेना नहीं क्योंकि वो जीरो डेप्थ दे नहीं रहा है, तो ध्यान रखना जीरो डेप्थ मिलना चाहिए। और मैंने इसलिए ICICI का लिया बिकॉज ऑलरेडी ग्रुप मेंबर जो है हमारे वो ICICI का इंश्योरेंस लिए हैं और उन लोगों ने क्लेम भी किया और उन्होंने बताया है, शेयर किया एक्सपीरियंस कि काफ़ी सही है ICICI का और बहुत अच्छे से जो है क्लेम वगैरह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, पैसे भी मिल जाते हैं और अपने अपने साइड से बिल्कुल भी पैसा देना नहीं पड़ता, जो सर्विस चार्ज है 1500 वो हर कोई लेता, वो देना पड़ता है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा। इसलिए मैंने ICICI लिया बिकॉज वो जो मेरे को पड़ा 2300 समथिंग कुछ रुपए पड़ा, 2400 रुपये मान के चलो, 400-500 रुपये जो भी है, 2500 राउंड फिगर ले लेते हैं, तो 2500 रुपये का मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराया है और उसमें वैल्यू भी ठीक ठाक मिल रही है, और साथ में सबसे बड़ी बात वो जीरो डेप्थ है, बिकॉज हम लोग तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पहले पैसा देना नहीं पड़ेगा और जब भी हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को सही शॉट जो है वो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने एक बार भी क्लेम नहीं कराया है तो ऐसा मत सोचना गाइस आपका इंश्योरेंस वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने क्लेम नहीं कराया, एक बार भी क्लेम नहीं कराया है, तो मैंने ICICI का रिन्यू कराया तो वहाँ पे मेरे को 20% जो है वो बोनस मिला है, नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक नो क्लेम, वो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन एक बार ध्यान देना कि नो क्लेम बोनस सेलेक्टेड है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार भी क्लेम नहीं कराया तो उसको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, नो क्लेम को सेलेक्ट करना, और नो क्लेम बोनस मतलब 20% मिलेगा। तो जब आपका जो इंश्योरेंस का वैल्यू लाइक सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1,13,000 समथिंग कुछ शो करेगा, तो जब आप उस इंश्योरेंस को रिन्यू करके बाय करोगे ना तो वो 1.23 हो जाता है, तो 20% का बोनस मिल जाता है, तो काफ़ी सही है भाई। हम लोग क्लेम नहीं किए तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने क्लेम किया उनको तो बोनस मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्लेम नहीं किया तो उसका अलग बोनस है।
सारा कुछ शो कर देता है। तो लाइक मेरा पहले एको का था, अब मैंने रिन्यू में जो है आईसीआईसीआई का करवा लिया और कोई भी दिक्कत नहीं, वहाँ पे सारा कुछ शो कर देता है। पहले आपका एको का था और अभी आप आईसीआईसीआई में करवा रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सो बस गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।